जी आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। आज माली साल 2021-22 का विफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जराए के मुताबिक विफाकी बजट का जो हजम है वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान है, जिसके ऊपर पहले हुकूमत ने काफी दो बजट के अंदर कंजूसी दिखाई थी। अब इम्कान यह है कि इसमें कुछ बेहतरी आएगी। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने पर गौर किया जा रहा है और विफाकी बजट में GDP का हदफ 4.8% रखने की तजवीज दी गई है। इसके साथ साथ बात करें, हुकूमत का IMF के मुतालबात मानने से इनकार है। ना बिजली ना गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और ना मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब के नए टैक्स लगाने का कहा है। हुकूमत का जानबूझकर टैक्स ना देने वालों को जेल में डालने का भी इसने हवाले से ऐलान सामने आया है। और FBI उन्होंने ये भी कहा शौकत तरीन साहब ने कि अब किसी को हरासा नहीं करेगी। साथ साथ वजीर आजम ने पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया है, जबकि बजट में बात की जाए तो रिटायर्ड अफराद पर टैक्स आयद नहीं होगा। पेंशनर्स पर भी 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज रद्द कर दी गई है और साथ साथ हुकूमत पेंशन की मद में सालाना 250 अरब रुपए की अदायगी भी करती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रकम है लेकिन ऑब्वियसली जरूरी है, लाजमी है। ताजरों को विफाकी बजट से बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्कुआत वाबस्ता है, हर बार होती है, इस बार भी है। बजट में अपनी सिफारिशात मंजूर होने का इंतजार कर रहे हैं। रावलपिंडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मरकजी अंजुमन ताजरान ये कहते हैं कि कोरोना के बायस ताजर सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है। सिलेक्टेड बजट नाम मंजूर, बजट अवामी नहीं सियासी होना चाहिए, यह कह दिया दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने और तनकीद की। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत का सिलेक्टेड बजट मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने शरह सूद में रद्दोबदल भी उन्होंने कहा कि रद्दोबदल करके खजाने को 1,000 अरब का नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानब PTI हुकूमत की करप्शन की पार्लिमानी इंक्वायरी कराने का भी ऐलान किया और नून लीग कैसे पीछे रहती, उन्होंने इक्तसादी सर्वे बिला जरूरत करार दे दिया। और शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं मईशत तबाह हो चुकी है, ऐसा कोई पैमाना नहीं जिस पर मुल्क ने तरक्की की हो। बिल्कुल, हमारी हुकूमत होती तो GDP 358 अरब रुपए होती, हम IMF से दफाई सूदों के जरिए कर्जा ना लेते। इसके साथ साथ ही बात करें लोड शेडिंग के, जिनकी तो वो बेकाबू हो चुका है, चाहे वो कराची हो, लाहौर, मुल्तान, पिशावर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा है। कम वोल्टेज के हवाले से भी शिकायत सामने आ रही है, जिससे कारोबार तो मुतासर हुआ है और ताजरों ने भी बहुत एहतजाज किया है। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली शॉर्टफॉल 593 मेगावाट है, जबकि डिमांड 22,393 मेगावाट है। बिजली की लोड शेडिंग पर जी ऑपोजिशन के हुकूमत पर भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कल ट्वीट की और कहा कि हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। PTI तरबीला तो सी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन 3 साल में मुकम्मल ना कर सकी। और शहबाज गिल के भी जवाब दिया कि नाहल लीग ने बिजली बनाने के लिए मुल्क लूटने के लिए मनसूबा, मतलब बीच में लोड शेडिंग 2-2.5 साल नहीं थी और अब दोबारा आई है, तो ये भी डाल दें कि पिछली हुकूमत का कारनामा है। और वही बात है, हम तो ये कह के थक चुके हैं कि हम ये कब तक करते रहेंगे और ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा। खैर जनाब, हमने आज इस स्पेशल नशिस्त का आपके लिए एहतमाम किया है। हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो कोरोना की छोटी सी आपको न्यूज ये भी देते चले कि गवर्नमेंट फोकस करिए, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट के लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अब यह ऐलान किया है कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। और इसका आदमी फैसला कर लिया गया है, यानी कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर किसी से बात भी नहीं करेंगे आप, आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। ये वसीम अकरम प्लस गवर्नमेंट का ये फैसला है। सर, इससे हम बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बड़ा जबरदस्त पैनल मौजूद है, उन्हीं से हम करते हैं और बजट के हवाले से बात करते हैं। आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ शंदाना गुलजार साहब हैं, PTC से इनका ताल्लुक है। उसके साथ साथ डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब होंगे, उसके साथ साथ डॉक्टर इकरामुल हक जो कि इकोनॉमिस्ट है। तीनों से आज हम बजट के हवाले से बात करेंगे। आप तीनों को खुश आमदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। शंदाना साहब, सबसे पहले हम आपकी जानिब आएंगे। आज तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपना 4था बजट पेश करने जा रही है और हम सब और आवाम भी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो बजट है ये पब्लिक को रिलीफ देगा। डू यू थिंक हम इस खुशफहमी में रहें कि ये क्या ये आवाम दोस्त बजट होने वाला है? 2018 में हुकूमत आई थी तो 19-20 और 21 अगर आप याद है पिछले साल भी कुछ हमारे अच्छे कॉलीग्स जो है ऑपोजिशन में, उन्होंने ये बात की थी कि हम मिनी बजट लेके आएंगे, पर आज तक नौबत तो आई नहीं है, शायद किसी ये प्रश्न किया है। तो अब देखिए दो तीन बातें हैं। आवाम फ्रेंडली बजट किसे कहते हैं? अक्सर ये बात की जाती है कि माजी की हुकूमतों पर PTI की हुकूमत बातें छोड़ देती है। इसमें एक हद तक सच भी है, क्योंकि मैं तो माजी की हुकूमतों में ही काम करती रही हूँ। आबिद कयूम सुलहरी साहब SDPI के चेयर हैं, वो देखते रहे हैं माजी की हुकूमतों को, तो हम सब ने
माजी में अगर परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस या अगर हम किसी को बदियाती नहीं भी असाइन करें, हम सब ने पिछली परफॉर्मेंस को देखी है। दूसरा देखिए, जिस तरह कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां नेस्ले है, फाइजर है, ये तमाम कंपनियां दुनिया में एक दिन में नहीं बनती है। ये नस्ल दर नस्ल आप इस इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में तो वो प्रॉफिटेबल बनती है। एक मुल्क भी कंपनी की तरह होता है कि आप नस्ल दर नस्ल इसमें इन्वेस्टमेंट करें। योर इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है शाहदारा साहब, आपकी इजाजत से थोड़ा सा फिगर्स पे बात कर लें, अगर हम थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि टाइम को मैं चाहता हूँ बेहतर यूटिलाइज कर लें। आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक एम्बिशियस टारगेट तकरीबन 5800 अरब का, मैं इसको एम्बिशियस कह रहा हूँ, लेकिन आबिद कयूम सुलेरी साहब जैसे सीनियर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उसको एम्बिशियस नहीं कहते हैं, उसको डुएबल कहते हैं और कहते हैं कि हम कर सकते हैं, चूंकि हमने अभी नियर यू नो पास्ट के अंदर भी हमने अच्छी कारकर्दगी बकौल उनकी दिखाई है। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ज्यादा है 5800 अरब, एक तरफ 5800 अरब का टारगेट है और दूसरी तरफ आपके वजीर खजाना कह रहे हैं कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और रिलीफ भी देंगे, ये दोनों चीजें ड्यूएबल लगती नहीं है, एक दूसरे से मुकाबले में नजर आती हैं, ये कैसे करेगी आपकी गवर्नमेंट जब हमारे पास और कोई टैक्स कलेक्शन के रिसोर्सेज नहीं है, हदफ हम बढ़ा रहे हैं, ये कैसे होगा? देखिए अगर आपको याद है मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी नून लीग का जब हुकूमत के आखिरी साल था, मेरी तनख्वाह बढ़ी क्योंकि मेरे टैक्सेस कम हो, ये मैं आपको बता रही हूँ जून का जो बजट था 2018 का, मैं ठीक ठाक टैक्सेस दे रही थी कि मुझे खुशी थी कि मुझे कम टैक्स दे, थोड़ा आमदन बच गई। अब इलेक्शन साल में ये करना, अगर ये पहले वो करते तो शायद मैं अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि वो इलेक्शन साल में हुआ, ये आवाम को एक गलत सिग्नल किया कि जी पैसा मुल्क के पास फालतू है, इस यार की टैक्स की हमें जरूरत नहीं है या आप ज्यादा टैक्स दे रहे। चौक तरीन साहब जो बात कर रहे हैं वो एक कॉमन सेंस वाली बात है। पाकिस्तान में इस वक्त 2018-19 में वर्ल्ड बैंक और IMF की एस्टिमेट थी ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी कमाता है रिजक उसमें 1% लोग यानी 1% लोग टैक्स। आपको पता है कि ये आपका मुल्क इसमें तकरीबन 25% से बड़े बड़े खानदान हैं, बिजनेसेस हैं जो खरबपति के जुमरे में आते हैं। उसके अलावा हमारे जो अरबपति हैं उसमें करोड़पति है, अमाउंट छोड़ा है, थोड़ा लोग छोटे लोग हैं, थोड़ा अमाउंट है, लेकिन वो लोग हमारे मुल्क में हैं। सवाल ये बनता है कि वो किस शरह से टैक्स देते हैं। अक्सर वो लोग ये बात करते हैं कि जी हम वही टैक्स पे रहे हैं इस मुल्क में, बिल्कुल सही है, लेकिन जितने कॉर्पोरेट ब्रेक्स मिलते हैं, जितनी टैक्स ब्रेक्स मिलती है, अगर आपको याद है पिछले साल के बजट में ठीक ठाक लड़ाइयां हुई तो किस बात पर लड़ाई हुई, 5 ऐसे सेक्टर थे जिनको हमने टैक्स पेइंग सेक्टर में डाल दिया था। वो क्या थे? जो आपका टेक्सटाइल है, जो आपका कारपेट है, जो आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो आपके सर्जिकल, ये एक्सपोर्टर्स हैं आपके, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ला के देते कमाइयां। लेकिन जो उनकी लोकल सेल होती है उस पर टैक्स नहीं हो रहा था क्योंकि उसको भी एक्सपोर्ट के जुमरे पे डाला जा रहा था। हमने ये किया कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं और आप उसको रिबेट मिलता है वो तो हमने टैक्स भी कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तान में आप कमा रहे हैं उस पर आप सेल्स टैक्स क्यों नहीं देते? इस बार क्या करें? इंडस्ट्री दे रही, इस बार भी यही होगा कि जो हमारा सबसे गरीब तबका है उस पर टैक्स नहीं आएगा। आपने सवाल सुनी लिया, मेरा सवाल यही है कि 5800 अरब इकट्ठे करने हैं, नए टैक्सेस 150 अरब के नहीं लगाने हैं, तो वंस अगेन पूरे फिस्कल ईयर में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रिलाई करने जा रहे हैं, जो कि FBR में इस्लाह तो हमने की नहीं, टैक्सेशन सिस्टम तो हमने बेहतर किया नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एग्जिस्टिंग तरीके से भी चलें जो बिजनेस एज यूजुअल है तो तब भी कम से कम आपके पास 14-15% जो है वो इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, उसमें अगर आप इन्फ्लेशन का और जो ग्रोथ का इंपैक्ट जो है वो डाल लें। और ऑन टॉप ऑफ इट इस वक्त जो वजीर खजाना बार बार जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं और आई होप कि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाए, तकरीबन हर हुकूमत ने वो करने की कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, डाटा का इस्तेमाल करते हुए, CNIC का इस्तेमाल करते हुए, उनका ये कहना है कि वो लोग जिनका तर्ज जिंदगी उनके टैक्सेस से मुताबकत नहीं रखता है, तर्जेस भी बहुत बेहतर है, टैक्सेस बहुत कम है या सिरे से नहीं है, उनको वो टैक्स नेट में लेके आना चाह रहे हैं। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर जो टारगेट है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के इकोनॉमी में अगर हम टैक्स पोटेंशियल की बात करें तो तकरीबन 8 ट्रिलियन रुपीस का पोटेंशियल है जो कि मटेरियलाइज नहीं हो पाता है, लेकिन अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है तो उसमें से तो थोड़ा सा भी मटेरियलाइज हो जाता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, और जो मैंने कहा इन्फ्लेशन और इसका ग्रोथ का इम्पैक्ट, तो बहुत लंबा चौड़ा टारगेट मुझे नहीं लगता है। इसमें एक चीज और गेम चेंजर साबित हो सकती है, वो जो ट्रेडर्स के ऊपर एक
रिड्यूस फिक्स टैक्स की जो बात की जा रही है, अब देखते हैं कि आज के बजट पे वो उसका अनाउंसमेंट की जाती है कि नहीं। अगेन मुख्तलिफ हुकूमतों ने कारोबारी हजरात को, जो ताजर तबका है, उनको टैक्स रेंट देने की कोशिश की, हमें मालूम है और डॉक्टर इकराम इस पर लिखते भी रहे हैं बड़े तो तसलसल से कि पाकिस्तान में ये वाला सेक्टर जो है ये अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स नहीं देता। तो अगर इनको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है, इनको आप फ्लैट टैक्स पे ले आते हैं, ये टारगेट बहुत एम्बिशियस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत एम्बिशियस नहीं है, ये आप पहले भी खैर मेरे शोज़ में कह चुके हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकराम, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट तकरीबन रिलाय करती नजर आती है। मैं कल एक दो इंटरनेशनल पेपर्स पढ़ रहा था जो पाकिस्तान के बारे में जिन्होंने लिखा, और उन्होंने भी कहा कि इस वक्त गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अगर किसी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करिए कि वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। लकीली हमारा इस दफा ज़रात ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया और हम एक्सपेक्ट करें कि विद द टाइम ये बेहतर होगा, ग्रो करेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर जो रिलाय करना है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड टैक्सेशन एंड फिर इंडस्ट्रियल की भी हम जब बात करें, सनत की बात करें, कहते हैं कि इससे 40 संते वाबस्ता हैं, तो क्या ये एक 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 राइट फेथ है हमारा इसके ऊपर बजट को लेकर और अगले आने वाले साल को लेकर? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जब आप लार्ज स्केल जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें जो ग्रोथ आई वो कंस्ट्रक्शन की वजह से ही तो आई है। जो आपका सीमेंट ज्यादा बिका है, जो आपका स्टील ज्यादा बिका है, जो और आपके बहुत से जो शोबे थे, ये बड़ी इंडस्ट्रियां तो यही हैं पाकिस्तान में। और इसके मस्बत नतायज जो है वो तो हमें 6-8 महीने में ही नज़र आ गए कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारे बारे में प्रेडिक्शन कर रहा था ग्रोथ रेट की, उससे हम कहीं बेहतर किया। तो ये आंखें बंद करके वो जो चीज़ें हम मान लेते हैं, थोड़ा सा हमें हकाइक का जायज़ा लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। एक तो इससे बहुत शुमार लोग जो बेरोजगार हो गए थे, जिनको डेली वेजेस पे जाना पड़ता है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जाते हैं, और उससे अगर ये ना होता तो इस वक्त हम बहुत बुरी सूरत हाल में होते, जैसे आपने भारत में देखा है कि क्या हुआ है। तो जहाँ हुकूमत ने अच्छी पॉलिसीज की हैं हमें तारीफ करनी चाहिए, और जहाँ कहीं कुछ कमी है वहाँ पे मिल बैठ कर हमें बात करके, और मैं जो हैरानगी होती है कि अपोजिशन जो है वो अगर कौमी मामलात में, जिसमें मिसा के मईशत की बात तो करते हैं, मगर ये जुबानी जमा खर्च तो नहीं होना चाहिए ना। अब ये तो पूरे कौमी मसला है, तो अगर मिल बैठ कर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जो जिसको अंग्रेजी में विन विन सिचुएशन कहते हैं, कि इसके लिए हकूमत को भी जो महसूलात चाहिए वो मिल जाए और वो महसूलात सही दुरुस्त तरीके से खर्च भी हो जाए, और वो तबका जो बिल्कुल नीची सतह पर है वो ऊपर आ जाए। यही कहानी तो हमने देखा है कि चाइना में पिछले 15-20 साल के अंदर जो उन्होंने अपने लोगों को सतह गुरबत से ऊपर लेकर आए हैं, तो वो जाहिर है रोजगार पैदा करके ही लाया गया है। लेकिन ये जो हम एमनेस्टी स्कीम्स की बेस पे हम चले, पिछली गवर्नमेंट ने भी दी, इस गवर्नमेंट ने भी दो बार एमनेस्टी स्कीम दी, और फिर दूसरी जानब हम अफराते जर का रोना रो रहे हैं ओब्वियसली, तो आपको नहीं लगता कि विद द टाइम हम अफराते जर का जो फैक्टर है उसको मजीद एक तकवीत मिल रही है हमारी इन पॉलिसी से आने वाले वक्त में, जब तक हम ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको, जिसे कहना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, और हम दूसरी जानब हमारे ऊपर कई बैरुल अक्वामी जो कदगने हैं वो भी मौजूद हैं, जैसे फैटफ के हवाले से है। कल शौकत तरीन साहब ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलेंगे या नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और हमारा जो एक इंटरनेशनल इमेज है फाइनेंशियली, उसके ऊपर बड़ा इसका इम्पैक्ट आ रहा है एमनेस्टी स्कीम्स और इस किस्म के इकदाम का? ये तो सारे लोग वो थे जिनको एफपीआर के पोर्टल पे आकर रजिस्टर होना था, अपने तमाम कवायफ देने थे, तो जाहिर है कि जब ये कंसेशन दी गई थी तो आईएमएफ से बात की गई थी, और उस वक्त जब मैं भी उस मशवरे में शामिल था तो मैंने कहा कि हमें इनको ट्रांसपेरेंटली अपनी वेबसाइट पर डाल देना चाहिए ताकि पता चले कि लोग क्या क्या मंसूबे बनाना चाहते हैं, और उन्होंने उसके लिए नक्शे भी पास करवाए और उतना पैसा भी पहले बैंक में जमा करवाया। तो ये उस तरह की एमनेस्टी स्कीम नहीं थी जो पास वाली थी, इसलिए लोगों ने इसको गलत अंदाज में देखा है, तो हमें इसको इस अंदाज में देखना चाहिए। ठीक हो गया। अभी फिर वक्त हम एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे पैनल मौजूद है, बजट के हवाले से हम डिस्कशन करें, और मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।